मेरा एक्सीडेंट हुआ था, करीब एक डेढ़ साल हो गया या दो साल हो गया। एक हमारी बड़ी गाड़ी है, आजादी बचाओ आंदोलन की बस है, पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था। तब बहुत चोट आई थी, तो उस समय मैंने आर्निका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया, आर्निका। तो आर्निका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी सीएम, जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी इतनी है। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, सीएम पोटेंसी का एक डोज लिया बस, 3 घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था, और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए, और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं, और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं। मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना तो सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते। नहीं, उस समय तक इनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग है उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है दुनिया में।